लगता है बॉलीवुड को अपनी गलतियों से कोई सीख नहीं लेनी है। गुंजन सक्सेना मूवी में ऐतिहासिक तथ्यों से खिलवाड़ पर भारतीय वायुसेना और जनता से आलोचना झेलने के बाद भी बॉलीवुड का एलीट वर्ग अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। एक बार फिर से भारतीय वायुसेना ने एके वर्सेस एके ट्रेलर के कलाकारों और निर्माताओं को आड़े हाथों लिया है। हालांकि एयरफोर्स की नाराजगी के बाद अनिल कपूर ने माफी मांग ली है। नेटफ्लिक्स की ओर से विक्रमादित्य मोटवाने द्वारा निर्देशित एके वर्सेस एके का ट्रेलर रिलीज हुआ है। इस फिल्म में अनिल कपूर और अनुराग कश्यप प्रमुख भूमिकाओं में हैं, जिसमें अनुराग बतौर निर्देशक अनिल कपूर को एक चक्रव्यूह में फंसाते हैं, जिससे बाहर आते वक्त उन्हें कई प्रकार की कठिनाई झेलनी पड़ेगी। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट चूंकि अलग था, इसीलिए किसी को ये ट्रेलर बहुत भाया तो किसी को ट्रेलर देख के मन में सवाल आया, तो फिर समस्या किस बात की थी। दरअसल ट्रेलर में अनिल कपूर ने एक वायुसेना के अफसर की वर्दी पहनी है और उसी में वे पूरे शहर का भ्रमण कर रहे हैं, ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं और अपशब्दों का प्रयोग भी कर रहे हैं। अभी फिल्म ट्रेलर से एक पैरोडी प्रतीत हो रही है, लेकिन जिस प्रकार से वायुसेना के अफसर की यूनिफॉर्म का प्रयोग किया गया है, उससे यही संदेश जा रहा है कि इस फिल्म के निर्माताओं को या फिर कलाकारों को भारतीय वायुसेना के अनुशासन और उनकी प्रतिष्ठा का कोई मान या सम्मान नहीं है। सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा के अनुसार ऐसा भी माना जा रहा है कि ये वर्दी पहनकर अनिल कपूर मानो गुंजन सक्सेना फिल्म से उत्पन्न विवाद का भी मजाक उड़ा रहे हैं, जिसके कारण सोशल मीडिया पर जनता का आक्रोश उमड़ना स्वाभाविक था। उन्होंने एके वर्सेस एके के निर्माताओं और कलाकारों को जमकर खरी खोटी सुनाई। स्वयं भारतीय वायुसेना ने आपत्ति जताते हुए ट्वीट किया, इस वीडियो में जो भारतीय वायुसेना की यूनिफॉर्म पहनी गई है और जिस भाषा का उक्त व्यक्ति ने प्रयोग किया है वो पूरी तरह अस्वीकार्य है। हमारा अनुरोध है कि इन दृश्यों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। भारतीय वायुसेना की आपत्तियों के बाद अनिल कपूर ने कहा कि उनका या निर्माताओं का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। अनिल कपूर ने एक वीडियो संदेश में कहा कि It has come to my attention that the trailer of my new film, AK versus AK, has offended some people. As I'm wearing the Indian Air Force uniform while using unparliamentary language. I would like to sincerely offer my humble apologies for unintentionally hurting anyone's sentiments. I just like to supply some context to hopefully help you understand how things came to be this way. My character in the film is in uniform because he's an actor playing the role of an officer. When he finds out that his daughter has been kidnapped, the anger and rage he experiences and portrays is that of an emotionally distraught father. It was only in the interest of remaining true to the story that my character is still wearing the uniform on his quest to find his missing daughter. हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ जब भारतीय सेनाओं के चित्रण पर ऐसा विवाद खड़ा हुआ हो। इससे पहले नेटफ्लिक्स पर ही प्रदर्शित हुई गुंजन सक्सेना में जिस प्रकार से 90 के दशक में भारतीय वायुसेना को चित्रित किया गया और जिस प्रकार से उसे नारी विरोधी दिखाने का प्रयास किया गया, उसे न सिर्फ जनता आक्रोशित हुई अपितु भारतीय वायुसेना के वर्तमान एवं पूर्व अफसरों ने भी अपनी आपत्ति जताई। लेकिन लगता है बॉलीवुड ने इस प्रकरण से कोई सीख नहीं ली है, जिसके कारण वे एक बार फिर भारतीय वायुसेना के निशाने पर आए हैं। उन्हें लगता है कि भारतीय सेना का अपमान तो हंसी मजाक का खेल है। हालांकि भारतीय वायुसेना द्वारा आपत्ति जताने पर नेटफ्लिक्स इंडिया और अनिल कपूर ने अपने ट्विटर अकाउंट से स्पष्टीकरण जारी किया है, लेकिन अब समय आ चुका है कि बॉलीवुड पर ऐसी ओछी हरकतों के लिए सख्त कार्रवाई की जाए।